पहली बार थॉमस कप अपने नाम करने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम के खिलाड़ियों ने रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अल्मोड़ा की मशहूर बाल मिठाई भी लाई, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य का आभार जताया। चलिए, लक्ष्य का मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैंने उसको टेलीफोन पे कहा था बधाई देते समय कि भाई मैं तेरे से बाल मिठाई खाऊंगा और वो आज लेकर के आया तो उसने याद रखा। छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रखते हैं, तो उनको पता था कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत फेमस है, तो उनने मेरे से मंगाई भी थी और मैं उनके लिए लेके आया था। तो काफ़ी मतलब, और उनको ये भी पता था कि मेरे दादाजी भी खेलते थे और पापा भी खेलते थे, तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मतलब मायने रखती हैं। अगर उतने बड़े आदमी आपसे ऐसा बोल रहे हैं तो आपका भी काफ़ी अच्छा लगता है उनसे बात करके। पीएम से मुलाकात करते हुए लक्ष्य ने कहा कि जब भी उनकी मुलाकात उनसे होती है तो वो मोटिवेटेड महसूस करते हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी तबियत खराब होने के बावजूद भी अपनी पूरी क्षमता के साथ मैच खेलने पर लक्ष्य की तारीफ की। जी नमस्ते सर, मैं जैसे मैं यूथ ओलंपिक में जब मैं मेडल जीता था तब मैं आपसे मिला था और आज दूसरी बार मिल रहा हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे ही और मतलब जब आप मिलते हैं तो हमारा काफ़ी हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं वो फ़ोन कॉल के बाद भी, और जब भी आप मिलते हैं तो मैं यही चाहूँगा कि मैं ऐसे ही इंडिया के लिए मेडल जीतता रहूँ और आपसे मिलता रहूँ और बाल मिठाई लाता रहूँ। फूड पॉइजनिंग होने के बाद फिजिकल तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन मानसिक तकलीफ तुम्हें बहुत हुई होगी, क्योंकि खेल चलता हो, शरीर साथ न देता हो, उस समय तुमने जो बैलेंस रखा होगा ना, कभी आराम से सोच रहा कि वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी ट्रेनिंग थी कि फूड पॉइजनिंग के कारण फिजिकल वीकनेस के बावजूद भी खेल तुम्हें चैन से बैठना नहीं देता था और तुम फूड पॉइजनिंग की स्थिति को भी पार करके आए। उस पल को एक बार फिर से याद करना, तुम्हारी बहुत बड़ी वो ताकत होगी, तुमने किया होगा, 10 लोगों ने कहा होगा चिंता मत करो सब हुआ होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर भी एक ताकत होगी और मैं समझता हूँ कि, और दूसरा ये तुम्हारा जो नटखट फन है ना, छोड़ो मत इसको, वो तुम्हारी जिंदगी की एक ताकत भी है, उसे जियो, मस्ती से जियो। आपको बता दें कि भारत ने 14 बार की चैंपियन टीम इंडोनेशिया को हराते हुए पहली बार थॉमस कप पर कब्जा किया। लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीत हासिल करते हुए भारत को पहली बार थॉमस कप का चैंपियन बनाया, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी भारतीय टीम को फोन करते हुए शुभकामनाएं दी थी और लक्ष्य से उनके लिए अल्मोड़ा की मशहूर बाल मिठाई लाने को कहा था। जरूर से जरूर मैं लेके आऊंगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनसे फोन पर बातचीत की और उन्हें बधाई दी थी। हाँ लक्ष्य नमस्ते, कैसे हो, सब ठीक है? बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जीतने के बाद रविवार को अल्मोड़ा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने लक्ष्य का जोरदार स्वागत किया। उन्हें और उनके कोच और उनके पिता डीके सेन का जिला बैडमिंटन संघ ने अभिनंदन करते हुए जुलूस निकालकर स्वागत किया। लक्ष्य का जन्म 16 अगस्त 2001 को मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अल्मोड़ा के तिलकपुर में 80 वर्षों से उनका परिवार रहता है। लक्ष्य सेन के दादा सीएल सेन और पिता डीके सेन बैडमिंटन के खिलाड़ी रह चुके हैं। उनके बड़े भाई चिराग सेन भी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं। इसके साथ ही लक्ष्य मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी विमल कुमार, पुलेला गोपीचंद और योंग सुई से प्रशिक्षण भी ले चुके हैं। लक्ष्य ने यूथ इंटरनेशनल सीरीज में गोल्ड, यूथ ओलंपिक में सिल्वर के साथ ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज समेत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पदक दिलाया है। लक्ष्य सेन ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहुंचने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी हैं। वैसे तो लक्ष्य देश और प्रदेश का नाम रोशन करते ही आ रहे हैं, लेकिन थॉमस कप जीतने के बाद उन्होंने अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखवा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।